नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिनकी संदिग्ध हरकतों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर रखा है। उन्हीं में से एक सुशांत के करीबी रह चुके उनके दोस्त और रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी का भी नाम है। सुशांत की मौत के बाद पहले तो पिठानी ने खुद को सुशांत का बेहद करीबी और हमदर्द साबित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पटना पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, सिद्धार्थ वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसी खबरें आई थी कि वो हैदराबाद चले गए। इसके बाद उन्हें एक लाइव इंटरव्यू में पत्रकार से बातचीत करते देखा गया, जहां से वो बीच में ही बातचीत अधूरी छोड़कर निकल गए। बार बार पिठानी के बदलते बयानों और तेवरों को नजर में रखते हुए अब ईडी ने उन्हें शिकंजे में लेने की ठान ली है। कुछ वक्त पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, और अब सामने स्क्रीन पर चल रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी आखिरकार ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां मीडिया की भीड़ ने उन पर सवालों के बौछार करने शुरू कर दिए हैं। सिद्धार्थ अब तक किसी भी जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं आए? लाइव इंटरव्यू के दौरान वो अपने बातों से क्यों मुकर रहे थे और बीच में ही उन्होंने इंटरव्यू क्यों छोड़ा? जैसे तमाम सवालों के जवाब इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी से चाहती है देश की जनता। साढ़ा पीछे पीछे क्या डैड साढ़ा पीछे पीछे कुछ बोले पूछताछ के लिए बुलाया गया हुआ है आपको, क्या कहेंगे?